हाल के दिनों में हुई तेज बारिश ने राजधानी दिल्ली की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कभी खुद में सिमटी और गंदगी की वजह से काली दिखने वाली यमुना नदी आजकल अपने रौद्र रूप में आ गई है। वजह है तेज बारिश के साथ साथ हरियाणा राज्य, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल रविवार को राजधानी दिल्ली समेत NCR में सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, जिससे भारी बारिश की वजह से समस्याएं झेल रहे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। लेकिन लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर ने दिल्ली सरकार समेत दिल्ली वासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर डेंजर जोन पार कर गया। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज के पास तो रविवार को वाटर लेवल 205.50 मीटर पहुँच गया, जो शनिवार रात 9 बजे तक 205.30 मीटर तक था। शनिवार को हथनी कुंड बैराज से 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। फिलहाल यमुना का पानी डेंजर जोन से 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिससे यमुना के आसपास के इलाकों में हालत बिगड़ गए हैं। उधर CM अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि प्रशासन लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जा रहा है। इसके साथ ही सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने आपातकालीन स्थिति के लिए 1077 नंबर भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।